अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सैयद मोहम्मद अब्बास और खुशामदीद हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह फिर से मौजूद और फिर से एक इंडिया की एक लोकेशन हम विजिट करने जा रहे हैं साथ में। और भाई हम जा रहे हैं दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है वादी कश्मीर जो कि हम सबकी है, सबके पास भी है हमारे पास भी है। और क्या कहते हैं कश्मीर, तो खैर कश्मीर है और वो दुनिया के लिए है और दुनिया के दिल है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो लोगों ने बेतहाशा हमारे पास हमेशा की जो रिक्वेस्ट आती है उसके लिए रिक्वेस्ट आई हुई थी और हम खुद भी देखना चाह रहे थे वहाँ का कश्मीर, जो कि अब तक हमने सुना है, पढ़ा है, थोड़ा देखा भी है। तो पहले से वीडियो देखते हैं और बाकी बातें हमेशा की तरह बात में करते हैं। मैं अच्छा नहीं हुई कश्मीर बच्चन साहब, दुनिया की जन्नत, जो बात है भारत का दिल। आइए चलिए एक बार फिर जाके मिले हमारे अपनों से, छूके देखे उनके दिलों को और उत्सव मनाए हमारी जन्नत का। चार चनारों से मिलेंगे, चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, ऐ वादिये कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। वादिये कश्मीर तेरे ही पर्वतों पे तो फिर दौस रखा है, हाथ पकड़ चल के सितारों से मिलेंगे, तेरे ही पर्वतों पे तो फिर दौस रखा है, हाथ पकड़ चल के सितारों से मिलेंगे। चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, है वादिये कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। उदास लग रही है तेरी मुस्कुराहटे, पासा जरा सुनो मैं तेरी दिल की आहटे, उदास लग रही है तेरी मुस्कुराहटे, पासा जरा सुनो मैं तेरी दिल की आहटे, हमको बुला के हम भी हमारों से मिलेंगे, ऐ वादिये कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। बड़ी मशहूर उठ गए हैं तो जरूरी है मनाना,
जरूरी है मनाना चल उड़ते परिंदों की कतारों से मिलेंगे चल उड़ते परिंदों की कतारों से मिलेंगे वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे बहारों से मिलेंगे कश्मीर के बर्फों से निकलते हुए दरिया बहते हैं जमीनों पे मचलते हुए दरिया कश्मीर के बर्फों से निकलते हुए दरिया बहते हैं जमीनों पे मचलते हुए दरिया भाग्य लिखे सारे नजारों से मिलेंगे सारे नजारों से मिलेंगे ऐ वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे बहारों से मिलेंगे देश के साथ भेजिए प्यार और एकता का संदेश कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों के नाम दिल से kashmir.com पर ये जनाब ये था दिल से कश्मीर और कश्मीर तो वाकई में ही दिल और जान से कश्मीर है और कश्मीर के लिए तो उसको कह सकते हो कि जो कहते हैं जन्नत का टुकड़ा है वाकई में जो ये दुनिया वालों के लिए जन्नत का एक नमूना एक हल्का सा खूबसूरत सा तो ये तो एक झलक थी जो हमने जम्मू कश्मीर की देखी इसकी दूसरी झलक क्या कहते हैं हमारे अपने कश्मीर के अंदर है बहुत खूबसूरत जगह है वाकई बहुत खूबसूरत तो यहाँ तो इसको देख के पर एक सुकून और प्यार दिल चाहता है कि बहुत प्यारी जगह है यार तो वीडियो बहुत शानदार बनाई है और अमित जी जो है बिग बी है वो तो हमेशा इतनी प्यारी अल्फाज कहते हैं अच्छा कहते हैं और साथ में आखिर में हेमा मालिनी तो जिस तरह सिनेमा की जन्नत क्या कहते हैं अमिताभ और हेमा मालिनी जी है तो इसी तरह जन्नत से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है इन्होंने और हेमा मालिनी की तो आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है बड़ा डिफरेंट उनकी आवाज़ है उनका लुक बड़ा खूबसूरत आपके दौर की है ना तो हमारे दौर की है तो हम तो बड़े पहले दीवाने होते थे इनकी हेमा मालिनी के और जो इनकी आवाज़ में जो मासूमियत और जो एक एक, एक, एक क्या कहूँ कि भाई एक डिफरेंट आवाज़ इनकी ना तो बहुत खूबसूरत थी आवाज़ शोले फिल्म में देखो ना बसंती बनी हुई है एक बसंती ना धन्नो भाग तेरी बसंती की इज्जत खतरे में धन्नो भाग घोड़ी और शोले वाला गब्बर सिंह खड़ा है वहाँ पे तो भाइयों क्या कहते हैं हम भी चाहते हैं कि कश्मीर हम अमन आए और वो झील जो है कश्मीर की मशहूर उसमें हम लोग भी क्या कहते हैं कश्मीर संपर्क तो पाकिस्तान में निकलेगा जाके ना डूब के वहां से उसके अंदर तो ये था वादी कश्मीर और उम्मीद करते हैं अच्छा वहाँ पे और भी प्यारी अच्छी जगह है लद्दाख है और क्या लद्दाख कश्मीर में लगता है नहीं भाई मेरे ख्याल में उसके साथ ही लगता है कश्मीर के साथ ही है लद्दाख वगैरह लद्दाख मैंने शायद देखा अच्छी और वीडियो नहीं ना वो कश्मीर से करीब हमारे भाई अब हमने बात कर ली ना हाँ तो हमें हमारे भाई बता देंगे कमेंट सेक्शन में हाँ तो उसको जरूर बताइएगा और वाकई में कभी हम आपको अपने कश्मीर का विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह तो बाकी शायद ये ना कि आप उन वीडियोस को भी व्यूज किया करें देखा करें तो देखेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हमें कहते हैं अपने कंट्री पे अपने जो मुल्क होता है वो आप क्यों नहीं दिखाते हाँ तो हम दिखाना चाहेंगे लेकिन आप पहले देखना तो चाहो हाँ सिर्फ बोलने से क्या होता है देखें सही और पूरी पूरी वीडियो देखें ना सिर्फ देखें बल्कि उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट्स करें और प्यार हाँ प्यार के साथ तो जिस तरह कश्मीर के पहाड़ों से बर्फ पोश पहाड़ों से ठंडे ठंडे पानी पाकिस्तान तरफ आ रहा है ये सारी आपके लोगों की मोहब्बतें आ रही है हमारी तरफ जो बढ़ती है ठंडी ठंडी हवाएं वहां से अभी भाई के फोन बज रहा है आपका मोहब्बत प्यार मेरा फोन नहीं मेरा कहां है फोन ही नहीं मेरे पास भला आपका वहां पे प्यार प्यार आ रहा है आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की मैसेजेस आ रहे होंगे आप लोगों का प्यार आ रहा है तो ये सब आप लोगों का प्यार है तो इस तरह प्यार बंद जुड़ा रहना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि इंडो पाक के अंदर अमन और शांति हो जाए और हम लोग इस तरह एक दूसरे के मुल्कों में आए जाएं और एक दूसरे से मिलें जो कि कुछ परिवार वहां पर है कुछ परिवार यहां पर भी है
तो हम चाहते हैं कि उन सबको मिल जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, ये थी वादी कश्मीर और फिर अच्छा, और हाँ एक चीज़ और भी बता दें, इन्फॉर्म करते हैं, आज हमारे यहाँ PSL का वो भी चल रहा है और हमारा दिल असल में हमारा जो अटेंशन यहाँ पे नहीं ना, तो PSL की वो आ रहा है उसकी क्या सर में नहीं आ रही है उसकी, तो वो हमारा दिल अटका हुआ वहाँ पे कि वो हमारी जो गजल है आफ़ज़ल परवीन जो गाती हैं और शहज़ाद राय है और अली ज़फ़र है जो बड़े अच्छे वो गाने गा रहे हैं वहाँ पे, हमें आवाज़ें आ रही हैं, तो दिल वहाँ पे अटका हुआ PSL का हमारा। हम जल्दी से हम चाहते हैं कि PSL के अंदर आपके हैं इंडियन क्या कहते हैं सुपरस्टार जो कि एक सितारे बड़े खूबसूरत सितारे हैं वो हमारे PSL में खेलें और हमारे बंदे IPL में आपके वहाँ पे खेलें और एक दिन ऐसा हो कि IPL का फाइनल पाकिस्तान के अंदर हो, PSL का फाइनल इंडिया के अंदर हो, तो क्या मजा आ जाएगा सबसे बड़ा धूमधाम से हो। और दूसरी बात ये कि मैं बात ही भूल गया ये था कि अच्छा हाँ तो हम ये वीडियो हमारी ये हम कर तो उस दिन रहे हैं मगर शायद ये वीडियो हमारी पिछले बात अपलोड हो उसके ऊपर तो आप लोग बाद में ये नहीं बोलेगा कि PSL का तो सेरेमनी हो चुकी है। हाँ चुकी थोड़ी सी ये वीडियो लेट आएगी इस वजह से, बस ये जरूरी है कि फाइनल से पहले आ जाएगी इंशाल्लाह और वो फाइनल से कराची पे, तो हम चाहते हैं कि अब तो इंडिया में भी देखा जा रहा है PSL हमारा फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं इंडिया की ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जरूर देखिएगा सपोर्ट कीजिएगा हम पूरे पाकिस्तान को पूरे इंडिया को और पूरे लोगों को और प्यार को सपोर्ट कीजिएगा। तो जब तक आज के लिए याद करते हैं इख्तिताम करते हैं फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।